हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों देखो, मेंसुरेशन का एक ट्रिक लेकर आया हूँ आपके लिए कि मेंसुरेशन के किसी भी क्वेश्चन में जहाँ पर पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट होनी, राइट, ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन का आंसर वही होता है जो 7 और 11 दोनों से डिविजिबल होता है। जैसे सवाल में देखो, ये सवाल है फर्स्ट टर्म का, जिसमें उसकी कैपेसिटी पूछी गई है। बकेट एक फर्स्ट टर्म होता है, कैपेसिटी कैसे निकालते हैं हम? फर्स्ट टर्म की 1/3 πh r² + r² + r into r। अब ये पूरा फॉर्मूला नहीं लगाना, आपको पता है कि यहाँ पे पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट होनी है, तो आंसर केवल वो होगा जो 7 और 11 दोनों से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे केवल बी ऑप्शन ऐसा है जो 11 और 7 दोनों से डिवाइड होता है। नो नीड टू कैलकुलेट। ये कैसी ट्रिक है जिससे मेंसुरेशन के आपके अधिकतर सवाल हल हो जाएंगे।